आई एम नीतू निगम, वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट का ऑनलाइन फॉर्म कहाँ पर और कैसे भरें। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि क्लास फर्स्ट का फॉर्म दो चरणों में भरा जाता है। पहला चरण होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरना बताऊँगी। इसको भरने के लिए सबसे पहले हम kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इस पेज में क्लियरली लिखा गया है कि यह फॉर्म जो है सेशन 2020 से 21 सेशन के लिए क्लास फर्स्ट के लिए हैं। अब हम कंजियन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। आप भी इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन Given above and I shall abide by all terms and condition as per KVS admission guidelines। अर्थात हमने इसके जो भी गाइडलाइन हैं और इंस्ट्रक्शन हैं उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं और इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक मिनट, ये इस पर हम क्लिक करेंगे, ये बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्लास फॉर्म के क्लास फर्स्ट के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक फॉर्म खुलकर आ जाता है। इसमें देखिए क्लियर वे में लिखा गया है कि फॉर्म को इंग्लिश में ही फिलअप करना है। अब हमारा पहला ऑप्शन है फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का पहला नाम। नेक्स्ट है मिडिल नेम ऑफ चाइल्ड और लास्ट नेम ऑफ चाइल्ड। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है रमेश कुमार सिन्हा, तो यहाँ रमेश इसका हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इसका कुमार हो गया और सिन्हा इसका हो गया लास्ट नेम। इसी प्रकार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बच्चे का नाम लिख दिया सीता, मिडिल नेम मान लीजिए इसका सीता निगम है, तो मिडिल नाम हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं और लास्ट नेम में जाकर हम निगम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है इज द चाइल्ड डिफिटेंटली एबल, यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो यस करेंगे, मैं यहाँ पर नो कर रही हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है फर्स्ट क्लास में जनरली 5 से 7 साल के बच्चों के लिए एडमिशन्स रहते हैं, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले हमको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना, फिर ईयर लिखना है। मान लीजिए डेट हमने लिखा 11, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 11 मई 2013। देखिए यहाँ पे काइंडली नोट दे रहा है मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 5 एंड मैक्सिमम एडमिशन 7 ईयर्स, अर्थात क्लास फर्स्ट के लिए मिनिमम एज 5 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7 साल है और 2 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट जो है वो डिफिशेंसी एबल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सावधानी से फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्म में दिया रहता है उसी फॉर्मेट में हमको फिलअप करना रहता है। जैसे डेट और बीच में हमारा डैश दिया हुआ है सॉरी, तो हमें भी डैश ही देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गलती की थी 11 मई, फिर यहाँ पे हमको स्लैश ना देकर डैश ही देना है।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे 05 5 मई, फिर हम डैश देंगे, फिर हम लिखेंगे 2013। नेक्स्ट, उसके बाद आपको पूछा जा रहा है क्या आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा था या पौत्र पौत्री है, अर्थात क्या आपके बच्चे के दादा दादी या नाना नानी केंद्रीय विद्यालय या केवीएस संगठन में कहीं भी कार्यरत थे या हैं। अगर हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे, उससे संबंधित जो है ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी ग्रैंड चाइल्ड वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, रिटायर हो चुके हैं या अभी वर्किंग कर रहे हैं, या उसके माता पिता वर्किंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख रही हूँ, अर्थात नहीं काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे ncipsninfo2@gmail.com। इस तरह का एक एड्रेस आप, जीमेल एड्रेस आप अपना लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। मोबाइल नंबर आप अपना ही मोबाइल नंबर लिखेंगे और मोबाइल को अपने पास रखेंगे फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर एक मैं मोबाइल नंबर लिख दे रही हूँ, अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर एक कैप्चर कोड आ जाता है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से देखते हुए यहाँ नीचे आप फिलअप करेंगे कैप्चर कोड। और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी नंबर आपके मोबाइल पर आएगी, वो ओटीपी नंबर आपको फॉर्म में फ़िलअप करना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा और एक फॉर्म भरा हुआ आपके पास स्क्रीन पर शो होगा, जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन, आपके बच्चे के नाम, फादर्स नेम, जो भी आपने फॉर्म में फ़िलअप किया है, वो सारे आपको एक फॉर्म में भरे हुए पेज पे दिखेंगे। उस पेज में आपको एक लॉगिन कोड भी दिया रहेगा, या तो आप उस पेज का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, या फिर लॉगिन कोड आप नोट करके अच्छे से रख लीजिए। उस लॉगिन कोड के आधार पर ही आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म, आगे के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्लास फर्स्ट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है।